हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज 3.1 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2. फाइंड द वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एट अ पॉइंट आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट. हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, हमें उसमें पता करना है कि वो लाइन पैरेलल है लीनियर इक्वेशंस एट अ पॉइंट या कोइंसिडेंट है. ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट वीडियो जो बनाया था मैंने, इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें एक तो फॉर्मूले के बारे में मैंने डिटेल में समझाया था, उस पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है. तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. आंसर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन ये है, 5x - 4y + 8 = 0, 4x + 6y - 9 = 0. इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे अपने फॉर्मूले से. कौन सा फॉर्मूला? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से. तो ये वाला फॉर्म, ये पहली लाइन है, a1x + b1y + c1 = 0, ये पहली इक्वेशन है, और a2x + b2y + c2 = 0, ये दूसरी इक्वेशन है. यहाँ a1 का मतलब है 5, b1 का मतलब है -4, c1 का मतलब है 8, a2 का मतलब है 7, b2 का मतलब है 6 एंड c2 का मतलब है 9. यानी कि a1 a2 ये x की वैल्यूज हैं, ये 7/5/7, b1 b2 ये y की वैल्यू है -4/6, c1 c2 ये कांस्टेंट है 8 - 9. ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज बना ली इसकी, a1 इक्वल टू 5, a2 इक्वल टू 7, b1 इक्वल टू -4, देखो इसके आगे माइनस लगा है इसलिए -7 में आएगा इसके, b2 इक्वल टू 6, c1 इक्वल टू 8 एंड c2 इक्वल टू -9 होगी, इसमें माइनस लगा हुआ है. अब हमें कंडीशन दी थी वहां पर, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा ये. तो देखो ये दोनों सेम नहीं हो रहे, 5 - 7 और -4/6 को सॉल्व काट देते हैं अपन, तो -2/3 बचेगा, तो अभी ये इक्वल नहीं हो रहा है. 5 - 7 और इक्वल टू -2/3 दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू है. तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, a1 / a2 नॉट इक्वल टू b1 / b2. ठीक है, तो ये कौन सा सोल्यूशन बनेगा, ये बना यूनिक सोल्यूशन, यानी कि नो इसका वन आंसर आएगा एक सॉल्व करके. तो यहाँ लिखेंगे, हेंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन एंड द पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट. तो इस टाइप का इंटरसेक्टिंग का साइन बन जाएगा यहाँ पे, और ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व. यदि ये दोनों इक्वल हो जाते तो हम आगे बढ़ सकते थे. ओके, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका. पार्ट टू में देखेंगे, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0. इन दोनों इक्वेशंस को मैं अपने फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, वैल्यू पुट करके देखते हैं. तो 9/18, 3/6, 12/24, सॉल्व करो, काटो इन सबको. देखो ये 1/2 हो रहा है, 1/2 हो रहा है, 1/2 हो रहा है, यानी कि तीनों सेम आ गए, a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2, तीनों सेम आ रहे हैं. तो सेम आने में कंडीशन क्या होती है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कोइंसिडेंट लाइन, एक ही लाइन पे 6 के 6 पॉइंट बन जाएंगे, तीन इसके और तीन इसके, तीन पॉइंट ए वन है, तीन पॉइंट ए वन है. ठीक है, ये भी मैंने पहली बार इसका 3.2 का पहला वीडियो देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझ में, उसमें फॉर्मूला मैंने समझाया. यहाँ हम फिर लिख देंगे, हैंड द लाइन रिप्रेजेंट की द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट एंड देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन. ये भी सॉल्व हो गया. ओके, चलिए तीसरा देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, 3x - 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0. कंपेयरिंग सेम फॉर्मूला, फिर हम फिर कंपेयर करेंगे, 6y2 - 3 - 1 और 10 - 9 upon 9. तो यहाँ देखेंगे a1 upon a2 3 1, काट देंगे इसको, b1 b2 3 1, ये सेम आ रहे हैं दोनों, लेकिन c1 c2 सेम नहीं आ रहा, ये आ रहा है 10 by 9, यानी कि a1 upon a2 = b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2. ये तीनों कंडीशंस में ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, यानी कि ये 10/9 गड़बड़ कर गया काम अपना. अगर ये हो जाता तो ये भी सेम हो जाता, तो ये क्या जाएगा, ये नो सॉल्यूशन आ जाएगा. यानी कि ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है, ये दोनों आपस में जुड़ नहीं रही हैं, ये अनफिनाइट तक सीधी ही जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, हेयर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हेंस दीज लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, देयर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, तीन क्वेश्चंस थे, तीनों बारे में, तीनों के बारे में क्वेश्चंस उन्हें बताया. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज इसी का, 3.2 का. अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन दे रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 upon b1 b2 upon c1 c2, फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमें सॉल्व करना है. ठीक है, इसमें क्या होता है, इनकंसिस्टेंट में क्या आएगा, पैरेलल जो लाइन होती है वो इनकंसिस्टेंट आता है, यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्ट, यूनिक सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट जो लाइन होती है वो कंसिस्टेंट में आती है, अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखा. ठीक है, तो अब इसको अपन पहला सॉल्व करते हैं. देखो ये
a1 a2 b1 b2 c1 c2 हम फाइंड कर लेंगे यहां से 3/2, ये सब कुछ फाइंड आ रहा है सेम टू सेम। हमें सिर्फ देखना ये क्या यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन को सॉल्व नहीं करना है इसमें, सिर्फ हमको गैस करना है ना। यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्ट लाइन, तो ये क्या हो रहा है इंटरसेक्ट लाइन हो रही है, क्रॉस हो रही है, तो क्या है कंसिस्टेंट लाइन है। क्लियर हुआ, खत्म तक। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखो इसमें ये दूसरे की इक्वेशन दी है इसको हम कंपेयर करेंगे फिर से। तो ये देखो a1 a2 इतना है, b1 b2 ये है और c1 c2 ये है, हमने काटा पीटी करके सब तरीके से देख लिया है इसको। तो ये क्या हो रहा है a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, ये क्या हो रहा है नो सॉल्यूशन, यानी कि पैरेलल लाइन हो रही है। तो ये क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये लैंग्वेज जरूर लिखना है आप लोगों को, लैंग्वेज लिखोगे नंबर मिलता है, एग्जामिनर लैंग्वेज देखता है, सिर्फ सवाल के नंबरिंग से कुछ नहीं होगा, ये लैंग्वेज लिखना मस्ट कंपलसरी है। इसलिए मैंने हर सवाल के जवाब में लैंग्वेजेस जरूर लिखी है, जो लिखा है वो लिखना मस्ट कंपलसरी है। ठीक है, डायग्राम बनाओ, ब्रैकेट लिखो, सब कुछ लिखो। ये क्या हुआ है लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट लाइन है। तीसरा जाएगा, तीसरे में देखो ये बनाया अपने a1 a2 क्या है ये, b1 b2 क्या है ये, c1 c2 क्या है ये, काटा पीटी करने के बाद हमें सॉल्यूशन निकल कर क्या आ रहा है ये देखो। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, कैसे निकालोगे इसको 3/2/9 सॉल्व कैसे करते हैं 3/2/9। तो ये क्या है a/b और ये क्या है c, यहाँ ब्रैकेट में जाएगा 1 d। देखो b और c को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, a और d को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो a और d आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 and 1, तो क्या आएगा 3, 2 और 9 तो क्या आएगा 18, काट दो 1/6 आ जाएगा। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में इस चैप्टर को सॉल्व करके दिखाया कि सॉल्व कैसे करोगे। ये तो आप कहोगे 1/6 कहां से आया, तो कोई ऐसे आया है ना, ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल कर आ रहा है, ये तो यहीं आ गया यूनिक सॉल्यूशन। ये तो ये प्लस का ये माइनस का, बहुत बारीकी होती है, ये प्लस ये माइनस यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्ट लाइन हो रही है, इट मींस कंसिस्टेंट है। फोर्थ देखेंगे, ये पूरा इक्वेशन को सॉल्व कर दो, यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन, ये पहले इस तरफ था, इसको इधर लेकर आओ, इक्वल टू इधर लेकर आओ, माइनस 11 प्लस का है तो माइनस का जाएगा, माइनस 22 का है इधर जाएगा, प्लस का जाएगा, जीरो साथ में लेके आना है इक्वेशन, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करना है ना, तो यहाँ जीरो साथ में, तो हमें जीरो लेके आना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, ये देखो कंसिस्टेंट लाइन हो रही है, ये तीनों सेम आ रहा है 1/-2 1/-2 1/-2, सॉल्व कर लो इसको, सब कट जाएंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन हो गई है ना, तो ये सेम आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, ये कंसिस्टेंट सिस्टम आ रहा है। अब नेक्स्ट आएगा इसका फिफ्थ क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। 4y3x + 2y + 8 और ये आ गया 2x + 3y = 12, ये सेम सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को रट लेना काम आएगा, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ आपसे। a1 / a2 तो 4y3y2, ये देखो ये हो गया सेम टू सेम, ये निकलेगा कितना 2/3, ये जाएगा 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2/3 आ जाएगा। b1 b2 क्या है ऑलरेडी 2/3 है, एंड c1 c2 क्या है ये क्रॉस कर दोगे 2/3 आ जाएगा, यानी तीनों आ गए सेम इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, एक ही लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन हो रही है, 6 पॉइंट एक ही लाइन में बन जाएंगे, यानी कि ये क्या हो रहा है कोइंसिडेंट लाइन, विच मींस ये क्या हो गया कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। देयरफॉर दिस लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइन एंड डज हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सो पॉसिबल सॉल्यूशन, हेंस द पेयर ऑफलाइन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके तो फ्रेंड्स, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 के अपने पांचों पार्ट इस वीडियो में कवर करे और क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर करा, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ बिकॉज हमारे पास लिटरेचर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके भी एक एक लाइन को समझ सकते हो, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के आगे से स्टार्ट करेंगे। ओके, पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अच्छी अच्छी वीडियो आगे आपको लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।